अच्छा, नायिका पर बहुत समय से चर्चा नहीं हुई है। किशन सिंह जी का सवाल है, सत्तावत जी का, कि नायिका अभी कैसा दिख रहा है? नायिका वैल्यूएशन तो इसका ना पहले कम था ना अभी कम होगा। नायिका मतलब वो FSN ई कॉमर्स वही हुआ ना। अच्छा अभी भी 1700 टाइम्स पे चल रहा है। वाह, मैं स्टॉक को देखता नहीं हूँ बहुत ज्यादा। FSN ई कॉमर्स बहुत ही एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड है, फिर भी पता नहीं क्यों खरीद रहे हैं लोग, मुझे नहीं मालूम। इसमें ऐसा है, प्राइस एनालिसिस कर लेते हैं इसकी, बाकी सब छोड़ देते हैं, क्योंकि तो वैल्यूएशन के हिसाब से मैं 1700 टाइम्स में कहाँ से कौन सी एनालिसिस करूँगा, मुझे नहीं मालूम। 170 इसकी, 170 अगर होल्ड करता है तो इसमें एक अप ट्रेंड ट्रिगर हुआ है, क्यों हुआ है नहीं मालूम। वो ट्रिगर होके अप ट्रेंड आपको ये 240 250 तरफ वाले रेंज के लिए ट्रिगर हुआ है वो अप ट्रेंड, लेकिन 170 की है और इसका रिजल्ट आया क्या जून का? नहीं, जून का रिजल्ट नहीं आया है, तो वहां से भी ध्यान रखिएगा, डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो 170 का ध्यान रखना चाहिए सेफ्टी स्टैंड पॉइंट से। जी, चूंकि यहाँ पे जून के नतीजे आए नहीं हैं, तो फिर रिजल्ट्स किस तरह के रहेंगे करना बड़ा एक मुश्किल हो सकता है। हालांकि एक कोई सीजनैलिटी इनके कामकाज में होगी क्या? जिस तरह का इनका बिजनेस है, उसमें सीजनैलिटी का बहुत इम्पैक्ट तो नहीं होना चाहिए। कौन से सीजन में लोग तैयार होना नहीं चाहेंगे मुझे नहीं पता। जी हाँ हो सकता है जी शादी वादी वाले सीजन में थोड़ा सा ज्यादा चले, पता नहीं। जी सीजनैलिटी इनके बिजनेस में नहीं होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मतलब आप इनके टॉप लाइन या बॉटम लाइन को देखें तो कहीं से भी ये नहीं दिखता कि ये कोई ग्रोथ स्टॉक है। बहुत ही स्टैग्नेंट जैसा परफॉर्मेंस दिख रहा है। सिर्फ आपको बीच में एक्सपर्ट देखने को मिला था, जो 2022 में कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद 2023 के बाद से तो ये रेंज में आकर के अटका हुआ है। पिछले 2-3 तिमाहियों से ये 1500-1700 के बीच में अटका हुआ है। इसका ओवरऑल सेल्स और नेट प्रॉफिट में तो खैर कहना ही नहीं, मतलब कुछ इनका प्रॉफिट कब कितना आएगा, ये कभी 2 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 5 करोड़, तो ये इसका ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी पर अभी इनका ध्यान है या नहीं है। नहीं शायद मेरा तो प्रॉफिट क्वेश्चन, मार्जिन के मामले में शायद ये आईटीसी से कंपीट कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन तो एकदम वियर्ड है इसमें राजू जी, कि ये सब IPOs बिकते कैसे हैं? मुझे आज तक तो यही समझ में नहीं आया कि किस इस वैल्यूएशन को 1700 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल को जस्टिफाई करने के लिए, जो सेल्स ऑलरेडी आपका 1700 करोड़ पे चल रहा है क्वार्टर का, जो सेल्स आपका साल का 6000 करोड़ पे चल रहा है, और इसमें आपका जो मार्जिन है ऑपरेटिंग मार्जिन जस्ट 5% का है, आप EPS को कैसे कितना ग्रो कराएंगे? 11 पैसे का EPS, 7 रुपए का EPS कितना ग्रो कराएंगे कि आपका 1700 का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 17 रुपीज पे आ पाए, 17 टाइम्स पे आ पाए? मेरा ये क्वेश्चन है कि आगे हो सकता है, लेकिन ड्राइविंग फोर्स क्या है और क्या ये इतना यूनिक बिजनेस है? आप किसी भी मॉल में चले जाइए, चार लोग अपनी दुकान खोल के बैठे पड़े हैं, ये ब्यूटी और वो ब्यूटी, और इसमें कोई मुझे आज तक तो नहीं, आज तक तो फेयर एंड लवली किसी को गोरा नहीं बना पाया, तो क्या बनाने वाले हैं? तो ये मैं तो ब्यूटी और नाम भी ये सब बदलना पड़ेगा। कॉस्मेटिक चीजें हैं, नहीं, सिर्फ फेयर एंड लवली कॉस्मेटिक को तो चीजें अब हैं। नाम, फेयर एंड लवली को तो अब नाम भी बदलना पड़ गया। अब हाँ नहीं चला, अरे उसमें क्या क्या नहीं आता नहीं, था, अब आप बोल नहीं सकते, ये दावा नहीं कर सकते। क्या आप किसी को गोरा बना देंगे, ये दावा आप नहीं कर सकते। आप फेयर शब्द इस्तेमाल नहीं कर बहुत बहुत बाद में आंख खुली इन लोगों की, और अभी भी बिक रही हैं चीजें, अब बनती हैं। अब टूथपेस्ट में चारकोल डाल दीजिए तो फिर आपके दांत मोतियों जैसे चमकने लगेंगे, भाई साहब कहाँ से? ये सब कंट्रोल होना चाहिए। बहुत बहुत ये जो एडवर्टीजमेंट है ना, इससे मिसलीडिंग तो कोई चीज ही नहीं है अपने देश में, सबसे ज्यादा मिसलीडिंग है किसी भी चीज की एडवर्टीजमेंट। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है मेरा कि ये IPOs कैसे बिकते हैं, आप क्या क्या आपका USP हो सकता है, मुझे आज तक नहीं समझ में आता।
मे बी गलत तो गलत सही, लेकिन कैसे बिकते हैं ये एक बहुत बड़ा ये है मिस्ट्री। जी।